हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू न्यूक्लिकम फोरम। मैं हूं आपका किशोर सर और आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनामिक्स के न्यूमेरिकल्स जो कि वर्ड डन पे बेस्ड है। अब वर्ड डन पे बेस्ड ये न्यूमेरिकल्स आज के इस वीडियो का न्यूमेरिकल नंबर 7 रहेगा, क्योंकि 6 नंबर का न्यूमेरिकल इसके पहले हमारा हो चुका है। तो चलिए देखते फिर अभी 7th न्यूमेरिकल में क्या कहा है। ये 7th न्यूमेरिकल की एक खास बात है, जब आप इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे तो आपको कई टीचर इसके आंसर्स अलग देंगे, कोई और टीचर आपको आंसर्स अलग देंगे, मैं कुछ और अलग आंसर दूंगा, आप YouTube पे सर्च करेंगे तो कोई और आंसर मिलेगा, Google पे सर्च करेंगे कोई और आंसर मिलेगा। तो बेहतर है मैं मेरे चैनल में इस एक न्यूमेरिकल के बहुत सारे आंसर्स कैसे है, क्यों है, ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल टफ तो नहीं है, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट करने वाला है और कन्फ्यूजन भी आंसर्स में, हाँ स्टेप्स में नहीं। तो गिवन डेटा हम लिखते पहले और देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। कैलकुलेट कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा पहला पॉइंट रहेगा एक्सटर्नल प्रेशर, और इसे डिनोट करेंगे हम पी से, और ये कितना, ये तो फाइंड आउट करना है, बढ़िया। सेकेंड, नीडेड टू कॉम्प्रेस एन आइडियल गैस फ्रॉम 25 डीएम क्यूब टू 15 डीएम क्यूब, मीन्स आपको दिया है इनिशियल वॉल्यूम। अब कॉम्प्रेस हुआ है तो V1 का वैल्यू ज्यादा है 25 डीएम क्यूब, एंड फाइनल वॉल्यूम, ये फाइनल वॉल्यूम को डिनोट करेंगे हम V2 से, और ये कितना दिया स्टूडेंट्स 15 डीएम क्यूब। तो चलिए ना एक काम करते हैं, चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट कर ही लेते हैं हम। सो चेंज इन वॉल्यूम डिनोट करेंगे डेल्टा V से, और ये होता है V2 माइनस V1, एंड इट्स अ 15 माइनस 25, कितना होगा माइनस 10 यूनिट डीएम क्यूब। अब हो सकता है यूनिट चेंज करना पड़े, इसलिए मैं स्पेस छोड़ दे रहा हूँ। वर्क डन इन द कॉम्प्रेशन प्रोसेस से 3500 जूल, ये लीजिए। अब जूल्स में दिया है तो डीएम क्यूब से हमें मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना होगा, और ये हो जाएगा माइनस 10^-3 मीटर क्यूब। 1 डीएम क्यूब मीन्स 10^-3 मीटर क्यूब। फिफ्थ पॉइंट में आपको दिया है वर्क डन, एंड वर्क डन डब्ल्यू कॉम्प्रेशन में, इसलिए जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा हमारा पॉजिटिव में, वो कितना है 3500 जूल, ठीक है। अब आपको टेम्परेचर दिया नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स दिए नहीं है, दिए क्या नहीं, नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं है। सो टेम्परेचर नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, तो डब्ल्यू मैक्स का फॉर्मूला नहीं लगेगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा भी लगेगा, बट कॉम्प्रेशन का है ना, आप लगाइए फॉर्मूला बस, ठीक है। तो यहां पर वर्क डन इज गिवन एज, क्या फॉर्मूला आएगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा वी। अब आपको फाइंड आउट करना है क्या, प्रेशर। तो हम सबसे पहले वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो वर्क डन कितना दिया है बोलिए, 3500 है ना, ये इक्वल्स टू माइनस, प्रेशर कैलकुलेट करना है, डेल्टा वी कितना है स्टूडेंट्स, माइनस 10^-3, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3500 इक्वल्स टू पी इंटू 10^-3। अब ये स्टेप को लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं यहाँ लिखता हूँ क्या आएगा, 3500 डिवाइडेड बाय 10^-3, ठीक है। अब ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 3500 × 10^3, है ना, या फिर मैं ऐसा लिखता हूँ 35 × 10^4, यूनिट क्या रहेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर या फिर पास्कल, और यही पे दिक्कत है। अब दिक्कत क्या है जरा समझ लीजिए, मैंने जो, सुन लीजिए अच्छे से, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आप ये न्यूमेरिकल कहीं और देखेंगे या फिर आपके टीचर जो पढ़ाते हैं उसके आंसर्स अलग आएंगे, फिर आप मुझे कमेंट में लिखकर भेजेंगे सर आपका आंसर गलत है या फिर ये कैसे आया वगैरह वगैरह वगैरह, कुछ भी हो सकता है। तो ज़रा अच्छे से सुन लीजिए, है ना, सॉल्व करने के पहले, ज़रा लिखने के पहले सुन लीजिए। मैंने वॉल्यूम को कन्वर्ट किया है, इसलिए मैंने ये जो प्रेशर कैलकुलेट किया मैंने, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आया, यानी पास्कल में। अब कुछ टीचर लोग क्या करते हैं, वो गलत नहीं है, वो भी सही ही करते हैं, बस मैं नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं स्टेप्स को बहुत ईजी वे में एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। इसलिए कुछ टीचर लोग क्या करते हैं, वर्क डन का जो वैल्यू है ना, इसको कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि वो लोग चाहते हैं प्रेशर एटमॉस्फेयर में आए,
कुछ और टीचर प्रेशर बार में कैलकुलेट करना चाहते हैं, बार बैरोमीटर है ना, वो बार भी एक यूनिट है प्रेशर का, एटमॉस्फेयर भी यूनिट है, MMHg भी यूनिट है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी यूनिट है, ऐसे बहुत सारे यूनिट्स है। तो मैंने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कैलकुलेट किया, इसलिए मैंने वॉल्यूम को मीटर क्यूब में कन्वर्ट किया। अब दो बातें बता रहा हूं, अच्छे से सुनिए। पहली बात, अगर आपको लगता है कि प्रेशर आपको बार में कैलकुलेट करना चाहिए, तो वर्क डन के जो वैल्यू है ना, इसको आप 100 से डिवाइड कर दीजिए। मींस 3500 को अगर आप 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये जूल से कन्वर्ट हो जाएगा, आपका प्रेशर का यूनिट आ जाएगा बार। और दूसरा पॉइंट, अगर आप चाहते कि प्रेशर आपका एटमॉस्फेयर में आए, तो वर्क डन का जो वैल्यू रहेगा, जो भी रहेगा, उसको आप 101.3 से डिवाइड कर दीजिए, है ना जबरदस्त। तो आपके टीचर क्या करते हैं, वर्क डन के वैल्यू को अगर 100 से डिवाइड करते हैं, तो प्रेशर का यूनिट वहां पर बार लिखते हैं। या फिर आपके टीचर अगर वर्क डन के वैल्यू को 101.3 से डिवाइड करते हैं, तो प्रेशर का यूनिट वहां पर एटमॉस्फेयर लिखते हैं। मैं वॉल्यूम को कन्वर्ट करता हूं, इसलिए मैंने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लिखा। और एक बात बता रहा हूं, ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 3500 में से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 35 × 10⁻³ ये आएगा 3, बस इतना चेंज है, बस इतना। और यही अगर आप 101.3 करते हैं ना, तो 35 की जगह 34.65 वगैरह कुछ आता है, बस 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 इतना ही। तो क्यों इतनी तकलीफ लेना फिर, अब समझ में आया ना। तो आप कन्फ्यूज मत होइए, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आपको एग्जाम में किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि कैलकुलेट द कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर इन बार, तब आपको 100 से डिवाइड करना होगा वर्क डन के वैल्यू को। और वो अगर कहता है कि कैलकुलेट द कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर इन एटमॉस्फेयर, देन वर्क डन की वैल्यू को आपको 101.3 से डिवाइड करना होगा। क्लियर हुआ इतना, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ, इसके बाद में हम पढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमरिकल, ठीक है। चलिए अभी पढ़ते हैं आज के इस वीडियो का ये लास्ट न्यूमरिकल, न्यूमरिकल नंबर 8। न्यूमरिकल नंबर 8 में कहा है कैलकुलेट फाइनल वॉल्यूम। हाँ, ये ऐसे थोड़े से चाहिए, हल्के से टफ। अब आपको फाइनल वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, मैं यहाँ पर गिवन डेटा लिखता हूँ। अब यहाँ पर लिखा तो आप समझ जाइएगा कि न्यूमरिकल थोड़ा सा लेंदी है। तो गिवन डेटा में फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, फाइनल वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है, तो जाहिर सी बात है इनिशियल वाला वॉल्यूम दिया रहना चाहिए, तो V2 आपको फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड पॉइंट, विच कॉम्प्रेसेस अगेंस्ट कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ, यानी आपको एक्सटर्नल प्रेशर दिया है, तो एक्सटर्नल प्रेशर डिनोट करेंगे P से, और ये है 3.039 × 10⁻¹⁵, मैं पास्कल लिखता हूँ, वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जान लीजिए। फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ, यानी ये है आपका इनिशियल वॉल्यूम, इट्स इनिशियल वॉल्यूम डिनोट करेंगे V1 से, और ये है 18 dm³। दिक्कतें बढ़ गई, कुछ नहीं, ये है ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो इसको मीटर क्यूब से dm³ से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करिए, तो 18 × 10⁻³⁻³ होता है मीटर क्यूब, ये हो गया V1, हो गया ना कन्वर्ट, आसान तो है। वर्क डन इन द प्रोसेस इज, अब ये आपको वर्क डन दिया है, फोर्थ पॉइंट, सो वर्क डन डिनोट करेंगे W से, कॉम्प्रेशन में इसलिए वो वैल्यू प्लस में है, सो 2.027 × 10⁻³³ जूल, अगर एक्सपेंशन में होता तो वो वैल्यू हो सकता है माइनस में दी होती, ठीक है। अब यहां पे ना ये जो न्यूमरिकल है, ये न्यूमरिकल मैंने, मुझे नहीं पता कहां से लाया, बट मुझे इस न्यूमरिकल में थोड़ी सी एक दिक्कत है नजर आती है। अब वो दिक्कत क्या है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, अगर मुझे याद रहा तो, बट फिलहाल हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए मैं दिक्कत क्या है ना बता दे रहा हूं। अब इनिशियल वॉल्यूम 18 है, ठीक है ना, 18 dm³ है, तो कॉम्प्रेस हुआ है, तो फाइनल वॉल्यूम कितना आना चाहिए, 18 से थोड़ा सा कम आना चाहिए, है ना। चलो ठीक है, देखते हैं कम आता है कि ज़्यादा आता है। तो फिफ्थ पॉइंट अभी कुछ है नहीं लिखने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स दिया नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, तो डब्ल्यू मैक्स नहीं लगेगा, सीधा वर्क डन का फॉर्मूला लगाते हैं, सो वर्क डन इज गिवन एज, क्या है फॉर्मूला, डब्ल्यू इक्वल्स टू -P∆V -P × V2 - V1, है ना। अब माइनस साइन को अगेन वैसा ही रखिए,
प्रेशर को लेफ्ट में शिफ्ट करिए, ये हो जाएगा माइनस वी टू माइनस वी वन इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन पी। वर्क डन का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, इट्स 2.027 इंटू 10^3 डिवाइडेड बाय, प्रेशर कितना दिया है ना, इट्स 3.039 इंटू 10^5। अब हमें क्या लॉग कैलकुलेशन करना है, तो उसके लिए 2.027 का लॉग 0.3069 एंड 3.039 का लॉग 0.4827। डिवीजन में इससे सब्सट्रैक्शन करेंगे, मैंने वहाँ पर सब्सट्रैक्शन का साइन नहीं लिखा है, आपकी जानकारी के लिए ये लीजिए सब्सट्रैक्शन कितना आएगा, 12.8242, उसका एंटी लॉग देखेंगे तो ये आता है 0.6677, तो 0.6671 आता है, ठीक है। अब यही आप अगर कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे ना तो 0.666 आता है, मैंने करके देखा था एक बार, ठीक है। अब ये हो गया, अब माइनस साइन को ना मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा, माइनस वी टू प्लस वी वन इक्वल्स टू 0.6671, है ना, ठीक है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, वी टू, तो वी टू को राइट में शिफ्ट करिए, सो ये हो जाएगा वी टू इक्वल्स टू वी वन इक्वल्स टू 0.6671 प्लस वी टू, इसको लेफ्ट में शिफ्ट करिए तो वी टू इक्वल्स टू वी वन माइनस 0.6671। वी वन का वैल्यू कितना है, ये है एक चीज़ भूल गए, ये कन्वर्स अभी ऊपर जाएगा तो माइनस थ्री हो जाएगा ना, माइनस फाइव हो जाएगा, माइनस फाइव थ्री ये हो जाएगा 10^2, ठीक है, बढ़िया, तो इंटू 10^2, गलतियाँ हो रही है, माइनस है ना, माइनस टू, ठीक है, तो ये माइनस टू। तो अब चलिए v1 का वैल्यू पुट करिए, कितना है 18 इंटू 10^ माइनस थ्री माइनस 0.6671 इंटू 10^-2। अब मैं चाहता हूँ कि, और ये आप ही चाहेंगे कि, हम चाहते हैं कि ये 10^-2 और ये माइनस थ्री दोनों को एक ही समान लेकर आए ताकि हम कॉमन निकाल सके, तो हम एक काम करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं, क्या होगा 18 इंटू 10^ माइनस थ्री माइनस 6.671 इंटू 10^-3, अभी करेक्ट है ना, ये हो जाएगा 18 माइनस 6.671 इंटू 10^-3। चलिए अभी 18.000 में से 6.671 माइनस करते हैं, चलिए क्या है अभी, हाँ 10 में से 1 गया 9 बचे, वापस दिया 8 हो गए, 10 में से 8 गए 2 बचे, वापस दिया तो 7 हो गए, 10 में से 7 गए 3 बचे, वापस दिया तो 7 हो गए, 1 बचा 11.32, सो 11.32 इंटू 10^-3 यूनिट मीटर क्यूब, और ये हो जाएगा 11.32 डीएम क्यूब, नहीं मैं जो सोच रहा था ऐसा कुछ नहीं है। तो इनिशियल वॉल्यूम है 18 है ना, फाइनल वॉल्यूम है 11.32, तो मैं जो सोच रहा था वो शायद गलत था, नहीं हमारा आंसर करेक्ट है, गैस कॉम्प्रेस हुई है तो फाइनल वॉल्यूम कम आ गया, यानी हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है, बढ़िया। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये हुआ आज के इस वीडियो का न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल। लॉग कैलकुलेशन लिखना कंपलसरी है, हाफ मार्क उसके ऊपर में होता है तो उसको स्किप ना करें, और एक मैं कई बार बता चुका हूँ कि पूरे यूट्यूब में अकेला ऐसा टीचर हूँ भैया कि मैं लॉग कैलकुलेशन के साथ में पढ़ाता हूँ, जो कि एग्ज़ाम में लिखना कंपलसरी होता है, इसके ऊपर में हाफ मार्क होते हैं, कोई टीचर नहीं पढ़ाता लॉग कैलकुलेशन के साथ में न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, ठीक है तो लिंक भेजिए, मैं भी देख लूँगा वो चैनल, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, इसी के न्यूमेरिकल्स रहेंगे बट थोड़े से चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप, और कुछ क्वेरीज रहती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए, थैंक यू सो मच।